आज सबसे बड़ी कामयाबी है सायफा पठान साहब की, जिन्होंने आमरण उपोषण पर बैठे थे और एक ही दिन के अंदर उपोषण उनका कामयाब भी हो गया। हमारा डेलीगेशन गया था उपायुक्त साहब के पास, पाटिल साहब के पास। पाटिल साहब से हमने तवील गुफ्तगू की, एक घंटे तक गुफ्तगू हुई। उसमें यह तय हुआ कि पाटिल साहब ने पहले कहा कि आप हमको 7-12 लाके बताइए कि किसमें सरकार की जमीन है करके, या महानगर पालिका की जमीन है। फौरन हमने जो है 7-12 उनके सामने पेश किया, 2-3 7-12 पेश किया, मगर उसमें गट नंबर 26 जो है, वो गट नंबर 26 में काफी सारी जगह खाली पड़ी हुई है। तो वो गट नंबर 26 के अंदर आज उन्होंने लेखी में दिया है कि हमको दे रहे करके जगह। इसकी एक अहमियत रहती है जो लेखी में दिया गया है। मुंह बोलना एक अलग बात हो जाती कि भाई बोल दिया और दे दिया, आश्वासन हो जाता, मगर ये एक लेखी में हमें जवाब आया है कि गट नंबर 26 के अंदर खबरस्तान के लिए नारे गांव के लोगों को जगह दी जाएंगी करके। और इंशाल्लाह अब इसका बहुत जल्दी एक ऑर्डर बनेगा महानगर पालिका के अंदर, और वो जो है तो कलेक्टर ऑफिस में जाएगा, कलेक्टर साहब के पास फिर उसका सर्वे होगा, और वो सर्वे होने के बाद जगह मुहैया की जाएंगी। बाबा क्या कहेंगे, बहुत कम देखने में आता है कि सुबह शाम तक आपकी मांग पूरी हो गई। कैसा लगता है लेटर मिलने के बाद, आपकी मांग पूरी होने के बाद? पहले तो मैं वो तमाम लोगों का जो शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे समर्थन किया और वादा किया कि मैं आखिरी सांस तक जो है तो तुम्हारे साथ में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, ये वादा किया। और मैं तमाम जनता का और प्रेस वालों का भी सबसे पहले जो उन्होंने हाईलाइट किए, यानी हर जगह जगह शासन प्रशासन तक ये बात को पहुंचाई, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरे मीडिया के माध्यम से पूरे शहर के अंदर इसके बारे में जो तो खलबली मच चुकी है, और शासन प्रशासन ने भी ये मीडिया वीडियो को देखा है, तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और नारेगांव के तमाम लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे समर्थन किया। तो आज इस बुनियाद पर मैंने मीडिया के माध्यम से कहा था जब तक कि मेरे को लेटर नहीं मिलता, लेटर नहीं मिलता वो बुनियाद पर मैं यहाँ पे बैठूंगा। तो अल्लाह का दर शुक्र है, मैं शासन प्रशासन का भी जो उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे बात को जो रखते हुए मुझे लेटर मेरे हाथ में दिया, गट नंबर 6 के अंदर और 26 के अंदर, गट नंबर 26 के अंदर। और तमाम मैं नारेगांव की जनता को ही कहना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह बहुत जल्द जो है तो 4 से 6 महीने के अंदर इसका कंपाउंड वाल यानी मुआया कराया जाएगा, ये इसका यानी पूरा टोटल बांधकाम के साथ में इंशाअल्लाह ये काम जल्द से जल्द हो जाएगा। मैं तमाम नारेगांव के जनता से यह बिल्कुल वादा कर रहा हूँ, आश्वासन नहीं वादा कर रहा हूँ, 4 से 6 महीने के अंदर इसका कंप्लीट वाल पूरा तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। देखो तमाम हमको 5 एकड़ का लेटर मिला है, 5 एकड़ के वहाँ पे जो है तो मिलने वाली है। तो मैं महानगर पालिका का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो महानगर पालिका ने जो है तो फौरन एक दिन में, जैसा हमारे अंसारी साहब ने कहा कि वो बहुत बात को तो अल्हम्दुलिल्लाह जनता तक पहुंचाते रहते, तो ये बात अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा अभी मुझे कान के अंदर, मैंने कमिश्नर साहब को भी ये बात जो है तो उनको पर्सनल डाला हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया अंसारी साहब और तमाम ये ने जितने भी है जो हमारे आरोमत अपडेट है, यानी बात तमाम जो है तो अपने लोग समाचार ये और उज्ज्वल महाराष्ट्र है, यानी पूरे तमाम जितने, तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इस सरकार तक इन्होंने बात को पहुंचाया। बाबा मेरा सवाल ये है, एक बार मेरा सवाल ये है, आमतौर से क्या होता, खाली आश्वासन का लेटर मिलता, वो लोड जो आपको लेटर मिला उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आपको 5 एकड़ जमीन मिल गई, आप देख लो, आप बताइए थोड़ा सा मीडिया को, बताइए थोड़ा सा, आप ये देख लीजिए क्या हुआ। मतलब ये आपको जमीन मिल चुकी इंशाअल्लाह, इसके अंदर अभी तफसीलात बाद हमारे रशीद भाई इसके बारे में बताएंगे, हमारे इसकी जो तफसीलात, मैं तो यहाँ ऑपरेशन बैठा था, तफसीला अधिकारी से जो अधिकारी से बात हुई, हमारे रशीद भाई थे, अजमत भाई अंदर थे, इनकी जो बात हुई तफसीलाती बयान वो करेंगे इंशाअल्लाह। आज तारीख 17 तारीख को साहिब का पठान साहब यहाँ पे कारपोरेशन के सामने मुस्लिम कब्रस्तान नारेगांव के लिए चाहिए बोलकर अमरण उपोषण के लिए बैठे थे। हम लोगों ने पाटिल साहब जो डिप्टी एडिशनल कमिश्नर है उनसे मुलाकात की, उनसे तमाम चीज़ों पर तफसील से बात की, उन्होंने पूरे नारेगांव के पूरे फाइल वगैरह मंगाकर हम लोगों से, अभी अजमत भाई फैसल भाई हम लोगों साथ में थे वहाँ पे, सबसे बातचीत हुई। वहाँ पर नारेगांव में कचरा डेपो और सैजतपुर बोल के जो एरिया है वहाँ पे, सैजतपुर में गट नंबर 26 वहाँ पे जमीन सरकारी जमीन है, तो हम लोगों ने तमाम चीज़ें उनको बताए। तो पाटिल साहब ने जो एडिशनल कमिश्नर है यहाँ पे उनसे चर्चा होने के बाद उन्होंने बताया कि गट नंबर 26 और कचरा डिपो जो नारेगांव का है
वो दोनों के अंदर सर्वे करने के बाद में जिसमें से सूटेबल जमीन लगेगी, क्योंकि वो 7/12 पे सरकारी जमीन सरकारी माल के हाथ से बोल के बताया गया है। अब सरकारी माल के हाथ से यानी सरकार की प्रॉपर्टी हो और ये महानगर पालिका है, तो महानगर पालिका उनको प्रपोजल दाखिल करेंगे और जल्द से जल्द उन्हें देने का वादा करे। अभी तो कलेक्टर को लेटर लिखेंगे, कलेक्टर लेटर के बाद में फौरन कार्रवाई हो जाएगी इंशाल्लाह। जो आश्वासन मिला आप, आश्वासन बोले तो कार्रवाई ऑफिशियल कार्रवाई रहती, ऐसा तो होता नहीं कि ऑफिसर उठेंगे आपको घिन कर दे देंगे। ऑफिशियल प्रोसेस होंगे, प्रोसेस हो जाएगी इंशाल्लाह। और वहाँ पे पांच जी रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।